तो साथियों कैसे हैं आपके हाल चाल। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका क्लाइमेक्स बड़ा ही जबरदस्त है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और साथियों ये कहानी इतने ज्यादा खतरनाक है कि इस पर आगे जाकर एक पूरी फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती है। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कर्नाटका के एक शहर मांड्या से 8 जून को होती है। ये इसी साल की कहानी है जहां पर तालाब के किनारे एक राहगीर को आधी अधूरी बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो बंदा काफी घबरा जाता है क्योंकि बॉडी का सिर्फ कमर से निचला हिस्सा ही वहां पड़ा हुआ था, जिसके बाद वो तुरंत ही पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां पर आती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में करती है। पुलिस ने वहां आसपास काफी ढूंढा मगर बॉडी का बाकी हिस्सा कहीं भी नहीं मिला। कुछ समय बाद पुलिस को वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक दूसरी बॉडी मिलती है जो कि ठीक इसी हालत में थी। इससे पता चलता है कि ये दोनों ही अलग अलग महिलाओं की बॉडी है और ठीक एक ही हालत में पड़े होने के कारण इन औरतों को इस हालत में पहुंचाने वाला मुजरिम भी एक ही मालूम पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अब पुलिस के पास ना तो उस मुजरिम का कोई सुराग था और ना ही इन औरतों के बारे में कुछ जानकारी थी क्योंकि पुलिस को सिर्फ उनके नीचे वाली बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस ने एक आइडिया लगाया और पूरे कर्नाटक राज्य में हाल ही में गायब होने वाली सभी औरतों के बारे में पता लगाने के बारे में सोचा। फिर उसके बाद पुलिस ने तकरीबन 10,000 पोस्टर छपवाए और यहाँ पर पुलिस ने 45-45 लोगों की 9 टीमें बनाई। फिर उसके बाद ये सभी टीमें छोटे छोटे राज्यों में फैल गई और छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। फिर जब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी तो उन्हें पूरे कर्नाटक भर से 1116 औरतों के लापता होने की जानकारी मिली। अब इतनी सारी महिलाओं में से जिनकी बॉडी मिली उनके परिवार वालों या फिर वो कहाँ रहती थी उनको ढूंढने का अब एक बहुत बड़ा टास्क पुलिस के सामने खड़ा था। परंतु साथियों कुछ महिलाएं जो लापता थी वो काफी देर से लापता थी, उन्हें काफी महीने हो चुके थे और कुछ 8 जून के बाद यानी इन बॉडीज के मिलने के बाद लापता हुई थी। इसके चलते धीरे धीरे ये गिनती घटते हुए कुछ ही दर्जन महिलाओं पर आ गई। समय इसमें काफी लग रहा था, जून से ये सिलसिला शुरू हुआ और जुलाई खत्म होने को था। मगर इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर छोटे से गांव में पहुंचा जहां पर एक घर में उन्होंने लापता होने वाली महिलाओं की कुछ फोटोग्राफ्स को पाया जिनमें पहने हुए कपड़े एक बॉडी के पास भी पड़े हुए थे और फिर उसके लापता होने की तारीख भी जून के पहले हफ्ते की ही थी। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि ये वही महिला हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों से उसके फोन इकट्ठा किए और फोन कॉल डिटेल चेक करी। इसके बाद ये भी पता चला कि इस महिला का लास्ट लोकेशन मांड्या में ही था और इस महिला के फोन कॉल डिटेल्स में भी 3-4 ऐसे नंबर मिले जिन आदमियों पर पुलिस को शक होने लगा। लेकिन इन्हीं में एक पुलिस को नंबर मिलता है टी सिद्लानगप्पा नामक एक आदमी का, जिस पर पुलिस को थोड़ा शक था क्योंकि जिस दिन से पहली महिला गायब हुई थी और उसकी लास्ट लोकेशन मांड्या में पाई गई थी तो उस वक्त लिंगप्पा भी वही मांड्या में मौजूद था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, वो शुरू में मुंह खोलने को तैयार नहीं था लेकिन जब पुलिस ने सभी सबूत दिखाए तो लिंगप्पा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और फिर उसने एक स्टोरी सुनाई। वो बेंगलुरु में रहता था, वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करता था और अक्सर वो कोठे पर भी ग्राहक बनकर जाया करता था। इसी दौरान एक बार उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था चंद्रलेखा। धीरे धीरे करके चंद्रलेखा के साथ लिंगप्पा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और फिर उसी के साथ उसका प्यार भी हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे, अपने सुख दुख एक दूसरे को बताते हैं और चंद्रलेखा भी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिंगप्पा को बताती है। यहाँ पर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिरकार एक अच्छे परिवार की लड़की यहाँ पर ये काम क्यों कर रही है और इसकी क्या मजबूरी थी। फिर इसके बाद चंद्रलेखा ने अपनी अगली कहानी लिंगप्पा को बताई। उसने बताया वो काम की खोज में घर से दूर यहाँ पर आई थी लेकिन कुछ लोगों ने उसे जबरन इस काम में धकेल दिया। अब इस बेचारे का मुंह भी बंद था, वो जो भी पैसे कमाती उसे अपने घर भेज देती और घर वालों को चंद्रलेखा ने ये कहा था कि वो एक छोटी मोटी नौकरी कर रही है। और फिर जब लिंगप्पा ने इस कहानी को सुना तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, उसकी आंखों में आंसू भी थे कि आखिरकार वो चंद्रलेखा से मोहब्बत करता था। फिर इसके बाद लिंगप्पा ने चंद्रलेखा से सिर्फ एक ही बात कही कि वो कौन लोग हैं जिसने तुम्हें इस काम में धकेला। चंद्रलेखा ने लिंगप्पा को करीब 7 नाम बताए जिनमें 4 औरतें और 3 मर्द शामिल थे। फिर इसके बाद लिंगप्पा ने कहा अब जो भी करूंगा मैं करूंगा, अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। उस वक्त मई का महीना चल रहा था और एक दिन लिंगप्पा ने पहली महिला जो उस वक्त बेंगलुरु में ही थी
वो भी एक कोठे पर काम किया करती थी और इसी के चलते लिंगप्पा ने एक दिन उसे सुनसान जगह पर बुलाया और वहां पर उसका काम तमाम कर दिया और उसकी बॉडी को बेंगलुरु में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। इसके बाद मई का महीना खत्म होने जा रहा था, वह बेंगलुरु से मांड्या आ गया क्योंकि उसके बाकी 6 शिकार उसे यहीं पर मिलने वाले थे। इसके बाद उन दोनों ने यहाँ पर एक किराए का घर लिया और वहां पर 30 मई को एक दूसरी महिला को बुलाकर चालाकी से उसे भी खत्म कर दिया और उसकी बॉडी को नदी के किनारे फेंक दिया। फिर उसके बाद एक हफ्ता बीता, उस पर किसी को शक नहीं हुआ, पुलिस को भी बॉडी की कोई खबर नहीं पहुंची। फिर आया 8 जून, तकरीबन एक हफ्ते बाद फिर से लिंगप्पा ने एक तीसरी औरत को घर बुलाया और ठीक उसी प्रकार से उसे भी खत्म कर दिया और अपनी बाइक पर उसकी बॉडी को रख कर चंद्रलेखा को पीछे बिठाया और दूसरी वाली बॉडी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक नदी के पास फेंक दिया। अब ये कहानी सुनने के बाद मांड्या पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया और उस पहले वाले कांड के बारे में भी जाना। अब साथियों, यहाँ पर पुलिस ने बाकी 4 लोगों के बारे में लिंगप्पा से जानने की कोशिश करनी चाही। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और लिंगप्पा कहता है कि उसने 7 नहीं बल्कि 8 लोगों का काम खत्म करना था। ये सुनकर पुलिस काफी हैरान थी क्योंकि चंद्रलेखा ने लिंगप्पा को 7 लोगों की लिस्ट बताई थी, पर 3 का काम तमाम करने के बाद ऐन मौके पर लिंगप्पा ने एक और नाम अपनी लिस्ट में जोड़ दिया और वो खुद उसकी माशूका यानी चंद्रलेखा का था, क्योंकि अब उसे अचानक से डर इस बात का सताने लगा था कि वो पुलिस से पकड़ा नहीं जाएगा और अगर पकड़ा भी गया तो खाली चंद्रलेखा की वजह से पकड़ा जाएगा, शायद पुलिस उस तक पहुंच जाए और ये मेरा नाम आगे बोल दे, जिसके बाद का मंजर उसके खोपड़े में घूम रहा था। इसलिए जिस दिन लिंगप्पा को गिरफ्तार किया गया उसी के शायद अगले दिन उसने अपनी पत्नी को खत्म करना था, क्योंकि अब उसकी सबसे कमजोर कड़ी उसका खुद का ही प्यार चंद्रलेखा बन चुकी थी। उसे मालूम था आज नहीं तो कल कभी न कभी उसका राज खुल जाएगा। अगर चंद्रलेखा जिंदा रही तो उसका भांडा फूट जाएगा और अगर वो चंद्रलेखा को खत्म कर देता तो उस पूरे कांड का राजदार खुद वो अकेला रह जाएगा। मगर दोस्तों, नसीब देखिए, पुलिस ने उन्हीं दिनों में लिंगप्पा को गिरफ्तार कर लिया और चंद्रलेखा की जान बचा ली। ना केवल अकेली उसकी बल्कि साथ में अन्य 4 लोगों की भी जान बचाई जो लिंगप्पा के अगले शिकार थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शिकारी पुलिस की कस्टडी के अंदर आया और चंद्रलेखा को भी पुलिस कस्टडी में लिया गया, क्योंकि इस गलत काम में उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था और यही सबसे बड़ी वजह रही कि चंद्रलेखा को उतनी सजा मिली जितनी लिंगप्पा को मिली। और ये थी दोस्तों अब तक के सबसे नए सीरियल किलर की कहानी। देखा आपने कैसे वक्त ने करवट बदली और एक फैक्ट्री में काम करने वाला कैसे कुछ ही दिनों में देश का एक नया सीरियल किलर बन गया और उसके साथ एक अच्छे घर से बिलोंग करने वाली लड़की की भी उसके बाद पूरी जिंदगी बदल गई। खैर साथियों, ये कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि लिंगप्पा द्वारा रचित ये कहानी पूरी फिल्म की तरह स्क्रिप्ट लग रही है। तो दोस्तों, कहानी से आपको उम्मीद है आपको स्टोरी समझकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी कहानी आपको आए दिन अब देखने को मिलेंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।